अब तक आपने देखा लड़के को परिवार का वारिस मानने वाले बाजवा परिवार और पवनिया परिवार के प्रमुख प्रताप बाजवा और चरण पवनिया दो परिवारों की दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं। चरण की बीवी अंबा को, जिसे पहले से ही दो बेटियां हैं, उसे इस बार लड़के के रूप में परिवार को वारिस देने की उम्मीद है कि तभी दो परिवारों की दुश्मनी में चरण को गोली मार दी जाती है। अंबा एक बच्चे को जन्म देती है जिसे परिवार का वारिस घोषित किया जाता है। ये है पवनियों का नवा शाह। पर माँ ने झूठ बोला था, इस बात पर जगन को शक है और वो सच्चाई जानने की कोशिश करता है। तू अगर सच बोल रहा है तो मुझे भी मेरे मरे हुए बेटे की कसम, छठी की पूजा में जिस दूध से बच्चे को नहलाया जाएगा, जे अगर वो लड़का ना निकला तो उसी दूध में डुबा के बच्चे को मार दूंगी। छठी के दिन बच्चे की सच्चाई सबके सामने आने के डर से अंबा परेशान है। तभी जगन उससे कहता है, मैं कहता हूँ यही मौका है, रात के अंधेरे में चुपचाप अपनी तीसरी बच्ची को लेकर निकल जा। छठी के दिन बच्चे की सच्चाई सबके सामने ना आए अंबा एक फैसला लेती है। तेरी माँ तुझे मरने नहीं देगी। अगली सुबह अंबा के कहीं नजर ना आने पर सबको लगता है वो घर छोड़कर भाग गई। अंबा, जगन, अंबा को ढूंढ के घसीटते हुए मेरे सामने लेके आ। अब देखिए आगे। परछाई, कहाँ मर गई थी? मेरा पोता कहाँ है? वो मैं वो मुझे जवाब चाहिए अंबा, कहाँ है मेरा पोता और तू कहां थी अब तक? बेबे, मैं बाथरूम में थी। तो बाहर क्यों नहीं आई? अफीम चढ़ा के बैठी थी, भागना चाहती थी। भागना चाहती थी क्यों? बच्चे कहां हैं? तेरे बच्चे कहां हैं? कहाँ है तेरी कुड़ियां? क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? कहां था तू? बोलना। रात भर इन बच्चों के साथ कहां था? बोल। और बड़ी बहन भाग नहीं पाई इसीलिए मजबूरी में वापस आया है? हाँ? इस थैली में क्या है? अब बोलना। जी, वो मैं कल जगराते पे गया था, रात को आपके सामने ही तो गया था। इसमें प्रसाद है जी और मेरे कुछ कपड़े हैं। चलो। बेबे,
मन्नू की तबीयत ठीक नहीं हैगी। रात भर पेट खराब था, इसीलिए बाथरूम में आवाज नहीं आई होगी। मैं कहाँ जाना है? मैं तो यही हूं। आपसे ये बोलने आई थी कि हम छठी थोड़े दिन तक टाल सकते हैं क्योंकि मन्नू की तबीयत नहीं ठीक। बस एक और नाटक बेबे देख, एक और चाल इसकी ताकि अपनी बच्ची को छुपाए रखे, ताकि इसका झूठ दुनिया को ना दिखे। बस कुछ दिन आराम करेगी यहां पर और उसके बाद चोरी छिपे फुर। मैं तो कहता हूं बेबे इसको छठी बस बहुत सुन लिया मैंने, तू अंदर जा और तैयारियां कर, छठी की पूजा आज ही होगी। बेबे लेकिन मनु की तबीयत खराब। अगर पोता है तो शेर का पुत्र है, इस सबसे कुछ नहीं होगा उसको। जाना मैनू माफ कर दे मन्नू, तेरी मां तुझे बचा नहीं पाई। मैनू माफ कर दे बाबा जी, ये गलत हो रहा है। एक ऐसा इंसान है कि एक मां अपने बच्चे को नहीं बचा सकती, उसमें इतनी ताकत नहीं है। मैं तुझे कटार दूंगी, बच्चे के तकिए के नीचे रख के सोया कर, बुरी नजर नहीं लगती है। चाचा के घर से ना भर भर के सामान आता है, याद नहीं है बेबे सुखी के टाइम पर मेरे मायके वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्या नहीं आया था मेरे घर से, है ना? और एक ये है गरीबों का खानदान, देख लीजिए बेबे क्या इज्जत रह जाएगी सबके सामने। क्या
अनेक दिखाएंगे हम सबको। बेबे, मेरे पास जो भी था मैं सब ले आया। ये लेके आयो? ये दो जोड़ी हार बस? तू सही कह रही है। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? ये ले चाबियां और मेरे कमरे की तिजोरी में से गहने, सोने के सिक्के और जितने चांदी के बर्तन हैं सब निकाल के ले आ। और मंजे पे अच्छे से सजा के रख दे। क्या? और ये पकड़ चाबी और जो कह रही हूं वो कर। पोता दिया है इसकी बहन ने इस घर को वारिस। ऐसे इज्जत तो खराब नहीं होने दूंगी इनकी मैं। ओ खड़ी क्या है, जाना सामान लेके आ। मुहूर्त हो रहा है, अंबा को बोल बच्चे को लेके आएगी। आज छठी में दूध में नहलाते समय सब कुछ पता लग जाएगा कि जगन सच बोल रहा है कि अंबा। जी बेबे। सच तो मैं ही कह रहा हूं बेबे। हाँ लेकिन तू भूली तो नहीं जो तूने कहा था? अगर लड़की निकली तो जिस दूध में नहला रही है उसी में डुबाना है तुझे। मैं कुछ नहीं भूली। आ गई। बच्चा भी लेके आई है। हाय वारी जावा, कितना सोना बच्चा है, नजर ना लगे। ओ दीना भाभी तुसी बड़ी किस्मत वाले हो भाई, दो दो पोते मिल गए। ला बच्चा मुझे दे। अंबा बच्चा दे मुझे। तो की कर रही है बेबे, छेती कर। खोल दे कपड़ा बच्चे था। मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, इस घर का वारिस। तू सच नहीं जानती, इसने सबसे छुपाया है कि इसने बेटा नहीं बेटी जन्मी है। तू अगर सच बोल रहा है तो मुझे भी मेरे मरे हुए बेटे की कसम। छठी
दादी की पूजा में जिस दूध से बच्चे को नहलाया जाएगा, जे अगर वो लड़का ना निकला तो उसी दूध में डुबा के बच्चे को मार दूंगी। क्या हो गया अम्मा को? मेरा पोता, मेरा वारिस। मुबारका तुइयों जीती, तू सच कह रही थी अंबा, तूने मुझे पोता दिया है, हमारा वारिस। किसी की नजर ना लगे इसको। बजाओ बजाओ टोल बजाओ। पीरू क्या हुआ यहाँ पे? ये मेरा मन्नू नहीं है। ये मन्नू नहीं है पर ये लड़का है। मतलब और तुझे बड़ी पहचान हो गई है, वो 4-5 दिन के बच्चे सारे एक जैसे ही दिखते हैं। Thank you.
बहन जी आप दोनों को अंदर लेके जाइए, मैं आता हूँ। हाँ जी जी। प्लीज मुझे एक दिन के लिए बच्चा दे दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है, चाको रखे साइयां, मार सके ना कोई। चल दीदी मैं अब इस बच्चे को इसकी माँ के पास वापस करके आता हूँ, मैं बाद में मिल रहा है, ठीक है। ये वो कैसे सकता है, लड़का हुआ कैसे? मुझे बच्चा देखना है। रुक जा जगन, नहीं तो जान से जाएगा। बच्चा तो तू नहीं देख पाएगा। अंबा कहाँ है? कमरे में होनी है। कमरे में तो नहीं है। जगन कभी शाह नहीं बनेगा तू। जरूर परजाई ने फिर से कोई गड़बड़ की है अपने भाई के साथ मिलकर।